हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज की इस वीडियो में हम दूध का हिसाब करना सीखेंगे आसान तरीके से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिया गया है 1 लीटर दूध का दाम 40 रुपए है, तो 2.5 लीटर का दाम कितना होगा? 2.5 लीटर कहने का मतलब हुआ कि 2.5 लीटर का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले जो 1 लीटर का दाम यहाँ दिया गया है इसे यहाँ पर लिख लेना है। तो 1 लीटर का दाम बराबर कितना है? 40 रुपए है। तो यहाँ पर आप 1 लीटर का दाम सबसे पहले लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2 लीटर का दाम पता कर लेंगे। देखिए, 2 लीटर का दाम पता करने के लिए क्या करना होगा, यदि 1 लीटर का 40 रुपए है तो 2 लीटर का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 गुणे में 2 कर देंगे। तो यदि 40 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। अब देखिए, हमें तो 2 लीटर का दाम पता चल गया है, लेकिन अभी हमें 0.5 लीटर का दाम और पता करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए, यदि 1 लीटर का दाम 40 रुपये आया है तो इसका 0.5 कर देंगे। 0.5 लीटर का दाम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 0.5 हो जाएगा। 40 का 0.5 कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ आप 20 लिख लीजिए। अब देखिए, 2 लीटर का दाम 80 रुपए को लिख लेना है, इसके बाद 0.5 लीटर वाले दाम को यहाँ इसके सामने लिख लेना है, जोड़ लेना है दोनों को। तो 80 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 2.5 लीटर का दाम कितना निकल के आ गया, 100 रुपये आ गया। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर का दाम 40 रुपए है, तो 200 ml का दाम कितना होगा। दाम जो है लीटर में दिया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है 200 ml का दाम। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस 1 लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप सभी को पता भी होगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1000 ml और 1 लीटर दोनों बराबर होते हैं। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1000 ml का दाम कितना है, 40 रुपए है। तो यहाँ आप 40 लिख लीजिए। तो 1000 ml का दाम 40 रुपए है। तो सबसे पहले हम 100 ml का दाम पता कर लेंगे, तो आसानी से ही 200 ml का दाम पता चल जाएगा। और 100 ml का दाम पता करने के लिए करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। 100 ml का दाम पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, 40 बटा में 10 कर देना होगा। यानी कि 40 में 10 से भाग कर देना है। तो 10 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। तो 100 ml का दाम कितना निकल के आ गया, 4 रुपए आ गया। अब हमें कितना पता करना है, 200 ml का दाम। तो यदि 100 ml का दाम 4 रुपए है, तो 200 ml का दाम पता करने के लिए क्या करना होगा, 4 गुणे 2 कर देना होगा। तो यदि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि 200 ml का दाम कितना निकल के आ गया, 8 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपने दूध का हिसाब करना बहुत ही आसानी से सीख लिया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।